हेलो फ्रेंड, ओपन पेप गेट 2004 में आईएन के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 था, द आउटपुट ऑफ द ओपन इन द सर्किट ऑफ द फिगर क्वेश्चन 10 इज। ऑप्शन दे रखे हैं 4, ए 0 वोल्ट, बी -3 वोल्ट, सी 15 वोल्ट, डी +3 वोल्ट। ये एक ओपन सर्किटरी है जिसमें कॉमन इनपुट किया गया और हमें आउटपुट निकालना है। इस ओपन का सिंगल ओपन यूज किया गया है। तो सबसे पहले हम सर्किट को पुनः रीड्रा कर लेते हैं और उस पर वोल्टेज मार्क कर लेते हैं। और जो हमारा ओपन होता है तो उसके जो इनपुट निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं उनमें करंट हमारी 0 फ्लो करती है इन आइडियल केस में। तो सर्किट हमने पुनः रीड्रा कर लिया है। यहाँ जो कॉमन इनपुट था हमने उसको इस तरीके से कर लिया है। इस रजिस्टर पे भी हमने क्या लगा दिया 3 वोल्ट और इस रजिस्टर पे भी क्या है हमने जो यहाँ कॉमन था हमने इस तरीके से इसे अलग कर दिया है। तो जो पहला फर्स्ट मेथड है इसे दो तरीके से लगाएंगे। फर्स्ट मेथड नोडल एनालिसिस से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ बीपी वोल्टेज फाइंड कर लेते हैं। बीपी के लिए हम लगा देते हैं यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो बीपी बराबर आ जाएगा हमारा 10 किलो ओम अपॉन 10 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम इंटू 3 वोल्ट। ये आ जाएगा 10 अपॉन 20 इंटू 3, ये किलो ओम और ये किलो ओम, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1.5 वोल्ट। बीपी आ गया हमारा 1.5 वोल्ट। KCL एट नोड BN, तो यहाँ पर लगाते हैं KCL BN। तो VN -3 वोल्ट अपॉन 10 किलो ओम प्लस VN -V0 अपॉन 10 किलो ओम बराबर 0। 10 के किलो ओम कॉमन मिल रहा है तो इसको इस तरीके से VN -3 प्लस का VN माइनस का V0 बराबर V0। तो यह आ जाएगा 2VN बराबर V0 प्लस का 3। ये इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट, जब क्योंकि ये ओपन हमारा आइडियल ओपन है ये मान के चलते हैं। तो आइडियल ओपन की कंडीशन होती है जब A बराबर इन्फिनिटी होता है तो BP बराबर VN होता है, क्योंकि ये नॉन इन्वर्टिंग की तरह यूज किया जाएगा ओपन। इसमें कोई वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाएगा, इसमें वर्चुअल शॉर्ट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। वाई वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो बीपी बराबर VN, तो बीपी बराबर हमारा 1.5 वोल्ट आया था, तो VN बराबर हो जाएगा 1.5 वोल्ट। तो यहाँ रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू 2 इंटू 1.5 बराबर V0 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 3 -3 बराबर V0, तो V0 बराबर 0 वोल्ट। तो आंसर ए इज करेक्ट, आंसर A is correct। तो अब हम इसमें यूज करेंगे सेकेंड मेथड सुपरपोजिशन थ्योरम का। तो सेकेंड मेथड यूजिंग द सुपरपोजिशन थ्योरम। ये इस थ्योरम में यहाँ पर दो सोर्स दिए गए, एक इनपुट पे दिया गया इन्वर्टिंग पे प्लस 3 वोल्ट और नॉन इन्वर्टिंग पे जो दिया गया वो प्लस 3 वोल्ट दिया गया विद रेजिस्टेंस के साथ, और हमें आउटपुट निकालना है। तो पहले हम V01 निकालेंगे, तो जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा V0 बराबर V01 प्लस V02। तो जो V01 होगा तो वो हमारा जो BP नॉन इन्वर्टिंग साइड का जो हमारा सोर्स है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, सेट टू 0 कर देंगे। तो हमारी ये सर्किटरी बन जाएगी। इसे मान लेते हैं A, इसे मान लेते हैं B। तो यहाँ पे V0 निकल जाएगा। तो ये BP हमारा क्या हो जाएगा इस केस में,
जीरो हो जाएगा। तो ये एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। तो जो इसका आउटपुट होगा वी जीरो वन बराबर 10 kΩ अपॉन 10 kΩ इंटू 3 V और यहाँ नेगेटिव साइन। तो ये वी जीरो वन बराबर आ जाएगा माइनस का 3 V। अब सेकंड केस में हम ये जो इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल जो हमारा सप्लाई दिया गया था रजिस्टर के थ्रू, तो हम इसको क्या डीएक्टिवेट कर देंगे, सेट टू जीरो कर देंगे। तो हम बी जीरो टू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बी पी वोल्टेज निकल आए और ये नॉन इन्वर्टिंग की तरह बिहेव करेगा। तो वी जीरो टू हमारा होगा वी जीरो टू बराबर 1 + 10 kΩ अपॉन 10 kΩ इंटू बी पी। यह जाएगा 1 + 1 इंटू बी पी, तो ये हो जाएगा 2 BP। ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड। अगर हम BP की वैल्यू यहाँ से निकालें तो ऐसे पुट कर देते सेकंड में, तो हमारा V02 निकल आएगा। तो BP यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर लगा देते हैं, तो BP बराबर हमारा आ जाएगा 10 kΩ अपॉन 10 kΩ प्लस 10 kΩ इंटू 3 V। तो ये हो जाएगा 3/2 V। तो सेकेंड इक्वेशन से रख देते हैं, तो V02 बराबर 2 × 3/2 बराबर 3 V। तो इस इक्वेशन से वी आउटपुट बराबर होगा हमारा V01 प्लस V02। तो V0 बराबर आ जाएगा -3 V प्लस का 3 V बराबर 0। आंसर ए इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को हम सुपरपोजिशन थ्योरम कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओरली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओपन गेट 2004 में IIM पेपर में ये पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 44 में था। द बाइपर ऑफ द 20 kΩ पोटेंशियोमीटर इन द फिगर क्वेश्चन 44। इज पोजिशन हाफ वे देन द वोल्टेज वी नोट ऑफ द सर्किट इज। इसमें चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन ए -1.5 V, दूसरा ऑप्शन बी है -1.0 V, तीसरा ऑप्शन सी है -0.75 V, और जो इसमें दिया गया है डी चौथा ऑप्शन है 0.25 V पॉजिटिव। तो यहाँ सर्किट दे देगी, यहाँ जो है पोटेंशियोमीटर यूज किया गया 20 kΩ में, ये वाइपर है। तो इसमें यहाँ लिखा गया हाफ वे, तो हाफ वे का मतलब है कि जो इसका जो 20 kΩ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज मान लेंगे और इसको क्या डिवाइड कर देंगे 10 kΩ और 10 kΩ। तो हम उसका एक सिंप्लीफाइड फिगर जो है नीचे बनाते हैं, रीड्रा करते हैं। तो हमने सर्किट को पुनः रीड्रा कर लिया, जहाँ 20 kΩ था वहाँ क्या कर दिया हमने 10 kΩ और 10 kΩ। तो इसके अक्रॉस हमने क्या है वोल्टेज मान लिया, बी वोल्ट है। तो सबसे पहले हम वोल्टेज निकालेंगे, फिर ये जो हमारा वोल्टेज निकल आएगा तो ये क्या करेगा इन्वर्टिंग तरह बिहेव करेगा ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो यहाँ पर लगाएंगे वोल्टेज डिवाइडर रूल, तो बी बराबर 10 kΩ अपॉन 10 kΩ प्लस का 10 kΩ इंटू का 2 V। तो ये आ जाएगा 10 kΩ अपॉन 20 kΩ इंटू का 2 V। इसे ये जाएगा 1 V आ जाएगा। तो जब ये 1 V आ जाएगा, अब जो हमारी सर्किटरी बनेगी, तो हमारा जो ये 1 V निकल के आया है यहाँ पे, तो वो हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया पुनः सर्किट को रिटा करके। तो ये हमारी एक इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर की सर्किट है। तो इसका जो आउटपुट होगा V0 वो होगा 15 kΩ अपॉन 10 kΩ इंटू 1 V, और ये यहाँ पे नेगेटिव साइन। तो ये आ जाएगा -1.5 V। तो आंसर ए इज करेक्ट।